नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में शराब के बाद अब तेल भी महंगा, पेट्रोल पर 1 रुपये और डीजल पर 7 रुपये का वैट। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार से दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये महंगा हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान किया था। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 16.77% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद अब दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मुश्किल के वक्त में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वित्त मंत्री रहते हुए मैंने यही सीखा है कि जिंदगी हमेशा एक शानदार होती है, लेकिन ये शानदार रहे ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी विपदा के समय हमें ऐसे कड़े फैसले भी लेना जरूरी हैं। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमतें कुछ 71.26 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 70 रुपये के करीब पहुंच गए हैं प्रति लीटर में। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की संकट की वजह से बीते करीब 40 दिनों में सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सरकार का अप्रैल का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपये से घटकर 300 करोड़ रुपये रह गया है। साफ है कि सरकार की कमाई पर पड़े असर का दंड अब आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बीते दिन ही दिल्ली सरकार ने शराबों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की थी। सोमवार शाम को दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोविड टैक्स लगा दिया था, जिससे शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद सोमवार को शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि मंगलवार को भी सुबह से ही शराब की दुकानों में लंबी कतार देखने को मिली है। इसी के साथ ही दिल्ली वासियों को डबल झटका लगता हुआ, एक तरफ तो जहां शराब के रेटों में बढ़ोतरी की गई, उसके बाद तुरंत बाद ही एकदम से पेट्रोल और डीजल के रेटों में भी इजाफा हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरें और तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस लॉकडाउन में मिली छूट का गलत फ़ायदा ना उठाएँ। कृपया करके बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, और बाहर निकलने भी पड़ता है कुछ काम के लिए, तो प्लीज़ कृपया करके मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।